Assalamualaikum, your spoken English trainer. This is Aksa. In this video, we are going to learn some advanced English structure sentences. तो गाइज आज की वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं चंद ऐसे फिकरात जो कि हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फॉर्म जमा करवाने वाले हैं, मैं सफाई करने वाली हूँ, वो बस रवाना होने वाला था. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं. इस तरह के फिकरात को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो है अबाउट टू, यानी करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, करने वाला था, करने वाली थी. तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम देख लेते हैं. मैं घर की सफाई करने वाली हूँ, यानी जो काम अभी आप करने वाले हैं उसके बारे में बता रहे हैं. तो इसका फॉर्मूला है शी प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी आप प्रेजेंट का सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. मैं घर की सफाई करने वाली हूँ, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे. आई एम About to clean the house. I am about to clean the house. वो बस रवाना होने वाला है. He is about to depart. He के साथ is का यूज़ करेंगे. He is, she is, it is. तो यहाँ पे he is about to depart. वो बस रवाना होने वाला है. हम फॉर्म जमा करने वाले हैं. We are about to submit the form. We are about to submit the form. वो नौकरी ज्वाइन करने वाली है. She is about to join a job. She is about to join a job. वो इम्तिहान देने वाला है. He is about to the exam. He is about to the exam. मैं घर जाने वाला हूँ. I am about to go to the home. I am about to go to the home. वो बाज़ार जाने वाली है. She is about to go to the market. She is about to go to the market. वो बस रवाना होने वाला था. अब हम इसका फार्मूला देखते हैं. इसका फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस हम इज एम आर की जगह वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे. यानी शी वॉज, ही वॉज, It was, they were, we were, you were. तो अब यहाँ पे है वो, तो हम कहेंगे he was about to the depart. He was about to the depart. वो बस रवाना होने वाला था. हम फॉर्म जमा करवाने वाले थे. We were about to submit the form. We were about to submit the form. वो नौकरी ज्वाइन करने वाली थी. यानी हम पास के सेंटेंसेस में ये बात कर रहे होते हैं कि वो ये काम करने वाला था या फिर करने वाली थी. शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन अ जॉब. शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन अ जॉब. हम यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, वो इम्तिहान देने वाला था. तो गाइस ये सेंटेंसेस आपके लिए, इन्हें आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.